एक एडिशनल सब्जेक्ट को जोड़ा जाए जिसमें फिजिकल एजुकेशन में उसमें फिटनेस बॉडी बिल्डिंग इन चीजों का वर्णन किया जाए। हमारे साथ जुड़े हुए जो मैं कमेंट्स भी देख रहा था, जो एक अध्यापक का रोल है, चाहे प्राइमरी का अध्यापक है चाहे कॉलेज लेवल, जो हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में पिछड़ रहे हैं उनके स्किल डेवलपमेंट में या मोटिवेशन में अध्यापक क्या भूमिका निभा सकता है? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे तो हर स्कूल में हम इतना कर सकते हैं कि अच्छे ग्राउंड सबसे पहले उनको उपलब्ध करवा देंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो कि जो फैसिलिटी, जैसे अब हमारे गाँव का जो स्कूल में जिम हम लोगों ने काफी, हमारे प्रिंसिपल साहब आए थे तो हम भी उन्हें मिलेंगे, हम सोचे कि सर एक तो जिम आप यहाँ पे कर दीजिए, क्योंकि गांव में अगर आप कहीं तो आपको जिम आसानी से मिल जाता है, लेकिन गांव में जिम का कहीं है ही नहीं ट्रेन ना, तो वो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो मसल्स हैं वो अच्छे से ट्रेन नहीं हो पाते। तो एक तो मैं यही कहना चाहूंगा जिम का, सबसे पहले तो सर एक सेटअप आप लोग स्कूल में कम से कम एक जिम का कर दीजिए, ताकि जो बच्चों के जो मसल है वो स्ट्रोंग हम लोग हो सके, ताकि बाहर जाए किसी भी गेम को आसानी से सीख सके, है ना, क्योंकि अगर हमारे में पावर होगी तो हम किसी भी गेम को आसानी से खेल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले में यही आप लोगों से मेरा ये नम्र निवेदन रहेगा कि आप कम से कम जिम का जरूर सेटअप स्कूल में कीजिए। इसी के साथ जो आप लोग बात कर रहे हैं जिम की, एक हमारे दर्शक हैं और साथ में जो है कमलकांत राणा जी हैं निर्मण से, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको परिचय ये दे दूं कि उन्होंने अपना एक कोशिश कर रहे हैं वो कि अपने जो घरेलू गांव के स्तर पर जिम बनाने की, हालांकि परफेक्ट जिम मैं नहीं बोल सकता कि जो सही तरीके से होता है, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश रहती है कि जुगाड़ मेथड से किस तरह प्रैक्टिस करें और अपना जिम तैयार करें, और उसमें वो काफी सफलता उनको मिली है। अगला प्रश्न उन्हीं की तरफ से है, तो मैं चाहूंगा चंद्र भाई से कि वो अपना प्रश्न को अजय ठाकुर जी को दें। सबसे पहले मेरा अजय ठाकुर सर को तहे दिल से नमन। मैं कमलकांत राणा पर सोशल मीडिया पर, मुझे सभी राणा वाइपर के नाम से जानते हैं। मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से लोगों को फिटनेस और हेल्थ के प्रति अवेयर कर रहा हूँ, और इसके साथ साथ मैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को नशे से दूर रहने के प्रति अवेयर कर रहा हूँ। सर मेरी आपसे कुछ इंक्वायरीज है जिन्हें मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पंचायत स्तर पर सभी युवाओं के लिए एक एक जिम की व्यवस्था की जाए, इससे हमारी युवा पीढ़ी उस पर काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और आज का युवा नशे से मुक्त होकर एक अच्छी फिजिकल एक्टिविटी में यदि वो हिस्सा लेंगे तो काफी अच्छा एक पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा हमारी सोसाइटी पर भी, और इसके साथ साथ जैसे हिमाचल प्रदेश में फिटनेस जैसे बॉडी बिल्डिंग जैसे इस तरह के शो हो गए, इन चीजों के लिए नहीं मिल पा रहा है, इन चीजों को उतना बढ़ावा नहीं मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में। जैसे काफी सारे युवा ऐसे होते हैं वो अपने इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, तो उन लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, तो काफी सारे लोगों की ऐसी सिचुएशन है वो आगे नहीं बढ़ रहे, जैसे मैं खुद की सिचुएशन, मेरी भी कुछ इसी तरह कुछ सिचुएशन है। ऐसे काफी सारे यूथ होंगे जिसका ये सपना है, तो उन सभी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए कि हमारा समाज एक अच्छा समाज बन सके, और इसके साथ साथ शिक्षा के साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट को जोड़ा जाए जिसमें फिटनेस को, जैसे फिजिकल एजुकेशन में उसमें फिटनेस बॉडी बिल्डिंग इन चीजों का वर्णन किया जाए, फिजिकल एजुकेशन है उसमें इन चीजों को बढ़ावा दिया जाए, फिजिकल एजुकेशन को फर्स्ट क्लास से पढ़ाया जाए, फर्स्ट क्लास से नहीं तो सिक्स्थ क्लास से, फिजिकल एजुकेशन में जिस तरह जो सब्जेक्ट है उसमें नॉर्मली है, पर मैं चाहता हूँ कि उसमें एक नशा मुक्ति अभियान इस तरह का भी कोई सब्जेक्ट हो, और इसके साथ साथ फिटनेस बॉडी बिल्डिंग और वे अपनी फिजिकल एक्टिविटी को लेकर आगे बढ़ सके, और इसके साथ साथ जैसे स्कूलों में गर्ल्स के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाए, कराटे की ट्रेनिंग दी जाए, ये बहुत ज्यादा कंपलसरी है गर्ल्स के आज के समय में, सेल्फ डिफेंस के लिए भी इस तरह के ऐसे प्रोग्राम लाए जाए। जैसे मैं एक युवा हूँ, मैं भी हेल्थ फिटनेस इन सभी चीजों पर जिस तरह मैं काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हम जैसे युवाओं के लिए हमारी गवर्नमेंट कुछ करे ताकि हमारी सोसाइटी एक अच्छी सोसाइटी बन सके, हिमाचल के युवाओं के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लाया जाए जिसमें कि शिक्षा के साथ साथ उन्हें फिटनेस बॉडी बिल्डिंग और योगा इन फिजिकल गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए, ताकि आज के युवा नशे से दूर होके इन अच्छी गतिविधियों में हिस्सा ले सके, इन एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, आज का एक युवा एक फिजिकली गतिविधि के साथ साथ मेंटली भी अच्छा रह सके।
सॉरी सर, मुझे ना उनका साउंड बड़ा कम आया सर, प्लीज अगर आप रिपीट करेंगे ना, मुझे साउंड बहुत कम, बिल्कुल। अभिमन्यू जी, इन्होंने एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में जिम खोलने की बात की है जो पंचायत लेवल पर हो, ताकि बच्चों का जो फिजिकल डेवलपमेंट है, मसल डेवलपमेंट है, वो अच्छी से हो सके। साथ में ये कह रहे हैं कि जो रेसलिंग है, बॉडी बिल्डिंग है, योगा है, ये चीजें भी स्कूल के करिकुलम का पार्ट बने, ताकि बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन मिले और इस तरह कोशिश की जानी चाहिए, इनका एक सुझाव है। बिल्कुल जी सर, जी। तो सर मैं जी सर, देखिए मैं आपको पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जैसे ये कोई भी जो काम है, इसको हम ना छोटे लेवल पे कोई एक आदमी अगर हम चाहें कि मैं अकेला कर दूंगा तो वैसे नहीं होता, हमें इसमें पूरे समाज को हमें इकट्ठा करके चलना होगा। जैसे मैं उन भाई को यही सुझाव देना चाहूंगा कि पूरे गाँव को और अपने पूरे एरियाज के जितने भी आपको लगता है कि वेल एजुकेटेड बंदे हैं उनके साथ एक मीटिंग कीजिए। मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि हम लोगों ने हमारे ग्राउंड में भी शायद पूरे हिमाचल का सबसे बड़ा ग्राउंड बना दिया, ऐसे अपने गांव की और अपने आसपास के लोगों की सहायता लेकर के। तो हमने एक मीटिंग अटेंड की थी अपने गांव के जितने भी हमारे जो हम लोगों ने पहले एक लिस्ट तैयार की कि हमारे गांव में कितने लोग जो के ऊपर हैं या कौन कौन अच्छे सेटअप में हैं। तो हम लोगों ने उनको सिर्फ पर मंथ 100 रुपए की एक पर्ची आई, जिसको सिंपल भाषा में बोलते हैं कि बोला कि आपसे 100 रुपीज पर मंथ आप कॉन्ट्रीब्यूट करें तो हर एक इंसान वहां बुक कर सकता है ना। तो हम लोगों ने एक छोटा सा एक ग्रुप तैयार कर लिया उसका 100 बंदों का ना, 100 पर मंथ 100 रुपया 100 रुपीज ग्राउंड के लिए दे सके बच्चों के लिए। और काफी ऐसे गाँव में बहुत लोग होते हैं जो मतलब निष्भाव से ऐसे सेवा करना चाहते हैं, तो हम उन सब लोगों को साथ में लेकर के चलना चाहिए। तो हम लोग ने ऐसे ग्रुप मेंटेन किया और पर मंथ हम लोग 10,000 रुपीज इकट्ठा लगे करें अपने गाँव के लिए। और उसमें हम लोग किसी अगर बच्चे इंजरी हो जाए, किसी बच्चे को कभी कोई कमी हो जाए या उसके पास एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है या तो स्पोर्ट्स के लिए किट नहीं है, तो हम सब ये लोग उनके सब के पैसे से इकट्ठा करके हम लोग उनको देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस तरीके के ग्रुप हमें मेंटेन करने पड़ेंगे, अपने समाज को पड़ेगा कि आज हम जरूरत है एक दूसरे की सहायता करने की। और गाँव में ये चीज आपको घर घर जाकर के बतानी पड़ेगी कि लाइफ का जो आने वाला जो टाइम है वो कितना टफ है हमारी जनरेशन के लिए। अगर हम आज इकट्ठा नहीं होंगे अपनी जनरेशन के लिए तो ये कहीं भी नहीं कराएंगे। तो ये सब चीजें हमें हेलो जी अजय जी, लगता है अजय जी का संपर्क टूट गया है, तो हम उन्हें पुनः जोड़ने की कोशिश करते हैं।